हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले सन फार्मा के बारे में, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। बट उससे पहले कि इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है, तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। तो मैंने थोड़ी ही देर पहले इन्फोसिस, विप्रो, इनफैक्ट TCS की भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो तीनों IT कंपनी की वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पर भी मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं सन फार्मा के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं सन फार्मा का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो राइट नाउ सन फार्मा 677 रुपीज पे करेंटली ट्रेड कर रही है, और लगातार की फ्लक्चुएशन देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके से बनी हुई है। तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन बनी हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी मतलब आज गिरावट देखने को मिल चुकी है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, पर सन फार्मा की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है। तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से जानेंगे कि आगे क्या करना है इस शेयर्स पे, इसके बारे में जानेंगे। पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी उतार चढ़ाव 5 डेज में लगातार बनी रही, तो आगे इसमें पैसा लगाना है कि नहीं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो इस मंथ में सबसे लास्ट डाउन में थी, तो वहाँ पे देख सकते हैं 667 तक डाउन थी और अच्छी खासी ऊपर गई है। अगर न्यूज़ पे फोकस करें तो न्यूज़ 2 वीक पहले का देखें तो यहाँ पे 2 वीक पहले का आया हुआ है, यहाँ पे 830 का टारगेट दिया गया मोतीलाल ओसवाल के थ्रू। तो ये चीज देखने लायक है और इनफैक्ट गौर करने लायक है सन फार्मा के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि फार्मा सेक्टर अभी कितना ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर 1 ईयर में फोकस करें तो आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर से कितना ज़्यादा ग्रो की है ये फार्मा सेक्टर। 39.14% तक का फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट देखने को मिल गया। यहाँ से फोकस करें तो आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 44% तक का 45% तक का फ्लक्चुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल गया इस शेयर्स के थ्रू। क्या अब ये शेयर्स आगे जाएगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि बहुत कोई का डाउट है कि ये शेयर्स आगे बढ़ेगी कि नहीं, आगे हम लोग को कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मार्केट में। तो आप लोग को इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जल्दी ही ये शेयर्स आगे की साइड बढ़ते हुए दिख सकती है आपको मार्केट में। अब कैसे दिख सकती है, पहले इस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर NSE की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 51.36% तक आदमी लोग डीमैट में ले रहे शेयर्स। तो कहीं ना कहीं अंदर में एक गेम चल रहा है जो जल्दी ही आप लोग को शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे थोड़ा बट वाला दिक्कत आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप हो जाइए, क्योंकि आपको अभी 3 दिन या 2 दिन तक शेयर्स नहीं बाई करना है, शॉर्ट सेलिंग करना एक ज़्यादा बेनिफिटेड ऑप्शन है, क्योंकि इस शेयर से कुछ स्टेटमेंट निकल के आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन फार्मा नो इमिडिएटली प्लान टू एंटर इनटू वैक्सीन प्रोडक्शन। तो अभी सन फार्मा का जल्दी कोई प्लान नहीं है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में ये लोग अभी एंट्री मारेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कोई भी ऐसा प्लान नहीं किए हुए कि अभी जस्ट ये लोग वैक्सीन प्रोडक्शन में एंटर मारेंगे। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उदासी हम लोग के मार्केट वाले लोग से देखने को मिला है, क्योंकि अगर ये वैक्सीन के प्रोडक्शन में नहीं जाते, अगर ये स्टेटमेंट भी दे देते, तो कहीं ना कहीं ये सब जो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो डॉक्टर रेड्डी सब में लगवाने लगेंगे पैसा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उदासी देखने को मिल जाता है। पर ये न्यूज़ उतनी भी फेमस नहीं हुई, बस मैं आप लोग के नज़रों में डाल दिया हूँ। 3 दिन तक आपको गिरावट या 5 डेज में जिस तरीके से उतार चढ़ाव थी मार्केट में, उसी तरीके से देखने को मिलेगी। फिर नहीं तो आगे हो सके तो बहुत ही तेज़ी मार्केट में देखने को मिल सकती है सन फार्मा के थ्रू, क्योंकि जल्दी ही ये फिर से अपना एक नई हाई मेंटेन कर सकती है, ऐसा चांसेस बन सकता है। पर ऐसा कुछ चांसेस बनता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। पर याद रखिए 3 दिन तक थोड़ा सा इस शेयर्स पे गौर रखिए, क्योंकि 5 डेज वाला फ्लक्चुएशन लगातार यही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब इससे बेटर इस तरीके का उतार चढ़ाव देखने से अच्छा है, जस्ट मेरे माउस के एरो पे समझिएगा, इस तरीके से उतार चढ़ाव देखने से अच्छा है कि हम लोग कुछ इस तरीके का तेजी देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी ये 3 दिन तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट निकल के आई, अगर ये लोग ये स्टेटमेंट नहीं देते तो नहीं पता कहीं ना कहीं ये जो मोतीलाल ओसवाल के थ्रू टारगेट दिया गया टच कर जाता, पर अभी तो नहीं टच कर सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिला है पब्लिक में।
अब चलिए थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस बनाई रही सन फार्मा। पहले तो वनडे में भी बात कर ले तो गिरावट देखने को मिला है सन फार्मा में, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें और सब कंपनी की तो और सब कंपनी बहुत ही बेहतरीन ऊपर जाते हुए दिखी है। यहाँ पे अगर 1 वीक की भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सन फार्मा लगातार डाउन में ही रही है। रिटर्न के हिसाब से सन फार्मा यहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइम पे तेजी थी, पर उसके बाद भी गिरावट पर तेजी बनाई ही धीरे धीरे वाली तेजी बनाई हुई है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना ही रिटर्न देखने को मिला है, 9.8484% तक, और यहाँ पे देखे तो 11.03% तक। 1 ईयर पे डायरेक्टली फोकस करते बिना ज़्यादा बात किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी बनाई हुई है, डॉक्टर रेड्डी से ज़्यादा तेजी बनी हुई है मार्केट में। पर जल्दी ही आपको सन फार्मा में और भी तेजी देखने को मिल जाएगा, पर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, बस इतना ही बोलूँगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। और अभी जस्ट मैंने जो दो जो जो वीडियो अपलोड किए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये 3 वीडियो अपलोड किए, तो ये तीनों वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से वीडियो को लाइक कर दिए, इनफैक्ट बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। और एट द लास्ट जान लेते हैं सन फार्मा की टारगेट प्राइस कितनी रखनी है। तो सन फार्मा की टारगेट प्राइस अभी तो जैसे बता दिया 3 दिन तक नीचे रखिए, मतलब 3 दिन तक कोई ज़्यादा प्लान मत कीजिएगा सन फार्मा, पर उसके बाद आप लोग सन फार्मा की अप्रॉक्स 700 to 710 तक की टारगेट प्राइस रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि मेरी सबसे पहले अपडेट आपके पास आनी चाहिए। अगर कुछ भी मेरे लिए फीडबैक है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।